हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल झा प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा से। काफी लोगों का फोन कॉल्स आता है, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये यमुना एक्सप्रेसवे का प्राइस एप्रिसिएशन का आखिरी दौर है और क्या ये ग्रेटर नोएडा के प्राइस एप्रिसिएशन का आखिरी दौर है। तो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जब किसी भी चीज का प्राइस काफी तेजी से बढ़ता है तो उसमें सैचुरेशन पॉइंट आता ही आता है। तो आपको ये एनालिसिस करना है कि क्या ये सैचुरेशन पॉइंट है या क्या यहां से प्राइस अप्रिसिएशन होगा। मुझे जो लगता है, जो सेंटीमेंट्स होता है, सेंटीमेंट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। ये बहुत बड़ा एक सेंटीमेंट रोल प्ले करता है। अभी तक आपका पॉजिटिव सेंटीमेंट्स था, काफी चीजें पॉजिटिव होती जा रही थी, एयरपोर्ट आ रहा था, फिल्म सिटी आ रहा था, इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा था, इंडस्ट्रियल हब बन रहे थे, तो काफी चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिव था। प्राइस काफी ज्यादा अंडर वैल्यू था पहले, तो प्राइस तो एप्रिसिएशन यहां होना था, तो वो प्राइस एप्रिसिएशन हो चुका है। और हम लोगों का, हमारी टीम्स है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो चीजों को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उन सबका ये मानना है कि ये प्राइस एप्रिसिएशन का आखिरी दौर है। यहां से 15-20% और एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन यह प्राइस रुकेगा और इस प्राइस को रुकना ही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट नई स्कीम्स ला रही है, 10,000 प्लॉटों की स्कीम्स आ रही है, वो प्राइस को काफी ज्यादा रोकने में मदद करेगा, काफी ज्यादा मार्केट में प्राइस एप्रिसिएशन में बढ़ोतरी में आपको नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा देखने को। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी आपका हेरिटेज सिटी लेके आ रही है, उसके अंदर लगभग वो मान के चलिए 20-25,000 प्लॉट्स लेके आएंगे। इसके बाद साथ ही सिमिलरली आपका नोएडा, न्यू नोएडा का नींव रखा जा चुका है, न्यू नोएडा डेवलप करेंगे, न्यू नोएडा में काफी बड़े एरिया में न्यू नोएडा का डेवलपमेंट होगा, तो वो भी प्राइस को आपको एप्रिसिएशन से रोकेगा और वो बैलेंस करेगा प्राइस को। तो आने वाले समय में येडा का बबल बिल्कुल फटने वाला है, प्राइस रुक जाएगा, बिल्कुल एप्रिसिएशन रुक जाएगा, और जैसा कि 2009 में हुआ था वैसा ही सिमिलर सिचुएशन देखने को मिल सकता है कि अगले 10 साल तक प्राइस का एप्रिसिएशन बिल्कुल रुक गया था। दोनों में फर्क यह होगा कि 2009 के बाद, 2010-11 के बाद आपका बिल्कुल ही प्लॉट बिकना बंद हो गया था, ट्रांजेक्शन बिल्कुल जीरो हो गया था, बिल्कुल प्लॉट नहीं बिकता था। लेकिन अब चूंकि लीगैलिटी क्लियर हो चुका है, धरातल पे चीजें आ चुका है, तो थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन होते रहेंगे, प्लॉट्स बिकता रहेगा, खरीद बिक्री जारी रहेगा, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन बिल्कुल रुक जाएगा। अगर आपका अगले 5-7 साल तक अगर प्राइस रुक जाता है, तो अगर 5-7 साल तक प्राइस रुक गया तो वो रुकना नहीं होता है, वो प्राइस डाउनफॉल होता है, आपके पैसे डेप्रिशिएट हो जाता है। तो आप सोच समझ के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल समय है। आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी प्लॉट की, रजिस्ट्री के साथ साथ आपको कंप्लीशन बनाना पड़ेगा। अगर आपने टाइम से कंप्लीशन नहीं बनाया तो आपको पेनल्टी फेस करना पड़ेगा। साथ ही गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स आएगी, फिल्म सिटी 1,000 हेक्टेयर में अगर फिल्म सिटी डेवलप कर रहे हैं, तो 1,000 हेक्टेयर में अगर फिल्म सिटी डेवलप हो रहा तो प्राइवेट बिल्डर्स फिल्म सिटी को डेवलप करेंगे, उसके अंदर कई सारी स्कीम्स लेके आएंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में वो स्कीम्स लेके आएंगे। रेसिडेंशियल प्लॉट्स भी लेके आएंगे, इंडस्ट्रियल भी लेके आएगा, आपका कमर्शियल से रिलेटेड होटल्स वगैरह के प्लॉट्स लेके आएंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में लेके आएंगे, क्योंकि उनको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में लैंड अलॉट हुआ है। और आपको, आप लोगों को अगर नॉलेज होगा तो आप गूगल करके सर्वे करके देखिए, 1,000 हेक्टेयर का पूरी तरह से फिल्म सिटी किसी एक को ही अलॉट करना चाहते थे, लेकिन कोई भी ऐसा बिडर नहीं आया जो कि 1,000 हेक्टेयर का एक साथ डेवलप करने के लिए तैयार हो। तो इन्होंने 4 फेजेस में से डेवलप करने की बात की है। अभी 2,500 एकड़ का प्लॉट बोनी कपूर एंड भूटानी ग्रुप को अलॉट हुआ है, जिसे वो डेवलप करेंगे। और 2,500 एकड़ कोई छोटा लैंड पार्सल नहीं होता, काफी बड़ा लैंड पार्सल होता है, उसे डेवलप करना एक इट्स नॉट ए इजी टास्क टू डेवलप 2,500 एकड़ ऑफ लैंड। तो उसे भूटानी ग्रुप्स छोटे छोटे टुकड़ों में बेचेंगे, इन्वेस्टर लेके आएंगे, तो ये सब प्राइस को डेप्रिशिएट करने में, रोकने में काफी ज्यादा रोल प्ले करेगा।
जो लोग, मैं अपने दोस्तों के साथ किसी के साथ बैठा था, वो ये बोलते हैं कि जितने भी फिल्म स्टार हैं वो यू पॉकेट में और ये 4,000-2,000 meter के प्लॉट कर देंगे। ये क्या हो सकता? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी पहले ही अवेलेबल रहेगा फिल्म सिटी के अंदर, और सब्सिडाइज रूप में, डिस्काउंटेड प्राइस में, कि मुझे नहीं लगता है कि वो 4,000 meter के रेसिडेंशियल प्लॉट में आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये रेट का हाइक क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है उससे आप बचें, और बिल्कुल ध्यान से खरीदारी करें। ऐसा नहीं है कि अब प्राइस बिल्कुल टूट जाएगा या धरातल पे आ जाएगा। हाँ, प्राइस अगर रुक भी जाता है 4-5 साल के लिए तो भी आपका मनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर अगर देखें, भविष्य अगर देखें, अगर आपका भविष्य 10-20 सालों का होराइजन है, 5-10 सालों का होराइजन है, तो 5-10 सालों में आपका प्राइस का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होगा, और हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर का वन ऑफ द बेस्ट जगह बने। तो आप सारी चीजों को देखते हुए आप किस पॉइंट पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और किस पॉइंट पे एग्जिट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में। तो आप इन चीजों को, सारी चीजों को देखते हुए आप अपना पैसे को इन्वेस्ट करें और सोच समझ के इन्वेस्ट करें। जो लोग आपको सपने दिखाते हैं, उस सपनों की हकीकत को देखने की आप जरूर कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि सपने देख के आप अपने पैसे लगा रहे हैं, अपने मेहनत के कमाए लगा रहे हैं, और आखिरी में आपको 4-5 साल के बाद लॉस बुक करके बेच के जाना पड़े। क्योंकि हम लोगों ने नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में खूब ऐसा देखा है, हमने यमुना में ऐसा देखा है कि 10 साल तक अगर रेट एप्रिसिएशन नहीं हुआ तो लोगों ने लॉस बुक कर करके यहां से प्लॉट बेच बेच के लिए। तो आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो जरूर 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 प्लॉट कर दें, और अगर आप 2-4 साल 5 साल में अगर बेचना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ना कर दें। आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक बड़ी तेजी के बाद एक रुकावट आता है।